हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए के श्री एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया था, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले आपको जो कंप्यूटर के जो प्रकार होते हैं वह तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। पहला जो होता है कार्य के आधार पर। किसके आधार पर? कार्य के आधार पर। और दूसरा जो होता है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर। और तीसरा जो होता है उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, आपको डीपली मैं बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं से कंफ्यूजन ना हो। तो जो कंप्यूटर के प्रकार होते हैं वो आपके कार्य के आधार पर होता है, आकार के आधार पर होता है और उद्देश्य के आधार पर होता है। जब भी आपसे पूछे तो कार्य के आधार पर, तो कार्य के आधार पर जो कंप्यूटर होता है वह तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन। एक होता आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, पहला क्या होता है? एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद हम लोग वन बाई वन करके जानते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, देखिए होता क्या है एनालॉग कंप्यूटर। यह भी एक प्रकार का कंप्यूटर है जो एक ट्रांसमिशन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? ट्रांसमिशन की तरह। जैसे आपको बात करें, जैसे एक रेखा चलती है, इसमें कोई डिजिट की बात नहीं की जाती, इसमें केवल एक सिग्नल की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? या हम कह सकते हैं सिग्नल की बात की जाती है। जैसे ये बताइए कि आप तापमान जो मापा जाता है, तापमान, तो उसमें कोई ये खाली को मापा जाता है कि जैसे इतना सेल्सियस आपका क्या है, इतना सेल्सियस आपका मौसम है, जैसे इतनी गर्मी है, इतनी ठंडी है, तो ये सदैव घटता और बढ़ता रहता है। ठीक है, जैसे भौतिक इकाइयाँ जितनी भी इसमें आती हैं वह लगभग किस में आ जाती हैं? एनालॉग कंप्यूटर में। किस में आ जाती हैं? एनालॉग में। जैसे आप लीटर देख लीजिए, जैसे जब मापा जाता है उसको तो आपको ऑटोमेटिक पता देता है कि आपका इतना जो है लीटर पानी है या इतना लीटर दूध है। ऐसे इसको भी आप कह सकते हैं। किसको? एनालॉग में। जैसे आपको कह सकते हैं थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर, ये सब आपके इसमें आ जाएंगे एनालॉग में। और जो डिजिटल होता है यह जो गणना देता है, जो आपको रिजल्ट देता है, किसके रूप में देता है? जीरो और वन के रूप में देता है। किस में देता है? जीरो और वन के रूप में देता है। जैसे मैं बात करूं आपसे कि जो भी आज के समय जो कंप्यूटर है, जितने भी कंप्यूटर आपके चल रहे हैं, ज़्यादातर कौन से चल रहे हैं? डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि उसकी जो गणनाएँ हो रही हैं किस में हो रही हैं? जीरो और वन के रूप में हो रही है। जैसे आप स्टेबलाइजर मान लीजिए, स्टेबलाइजर में आप देखेंगे तो कितना वोल्टेज आपका लाइट है, कितना वोल्टेज नहीं है, वो सारा चीज़ आपको कौन बताता है? डिजिटल कंप्यूटर बताता है। इसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है दोस्तों, वो होता क्या है? जैसे एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को मिला करके कौन सा कंप्यूटर बनता है? दोनों को मिला के बनता है हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे देखिए, सीधी सी बात, एनालॉग कंप्यूटर किसके रूप में हमको गणना रिजल्ट देता है? सिग्नल के रूप में। और डिजिटल जो कंप्यूटर होता है किसके रूप में हमको देता है? जीरो और वन के रूप में, यानी कि किसके रूप में? डिजिट के रूप में। ठीक है, सीधी सी बात जानिए, एनालॉग सिग्नल के रूप में देता है और डिजिटल डिजिट के रूप में देता है। जब दोनों का मिश्रण हो जाता है तो बनता क्या हमारा? हाइब्रिड, यानी कि सिग्नल और प्लस डिजिटल मिला करके क्या हो जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाता है। जैसे आप बताइए, स्पीडोमीटर जो गाड़ी में लगी रहती है, जब भी कोई स्पीड चलाता है, जैसे मान लीजिए कि 10 की स्पीड से चल रहा है, 20 की स्पीड से चल रहा है, 30 की स्पीड से चल रहा है या 90 की स्पीड से चल रहा है, आपको एक सिग्नल के रूप में भी दिखाता है। दिखाता नहीं दिखाता, जो सुइयाँ होती हैं सिग्नल के रूप में दिखाता है। उसके बाद जब आप देखेंगे तो 90 पे गया, ठीक है, 90 पे गया और 100 पे गया, तो आपको एक डिजिट के रूप में भी बताता है। इसलिए सिग्नल और प्लस डिजिटल दोनों मिला के कौन से कंप्यूटर हो जाते हैं? हाइब्रिड। और एक आप क्या होते हैं? ईसीजी मशीन। क्या होते हैं? ईसीजी मशीन। जैसे आप देखे होंगे कि जो कंप्यूटर होते हैं हॉस्पिटल में, आपके कई तरीके से आपके सुइयां जो लगी रहती हैं, आपके हार्ट बीट भी होते हैं, वो भी सब जो मापे जाते हैं,
तो वो डिजिट के रूप में अगर बताएं तो भी किस में हो जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। और दूसरी बात, आप सिग्नल के रूप में देखिए, जैसे आपको नहीं होता है, जब आप किसी मूवी वूवी में देखे होंगे, आपका सिग्नल ऐसे चलता है। यदि आपका ये जो सिग्नल है इस तरीके का चला, तो आपकी ज़िंदगी चल रही है। और जैसे ही अगर ये सीधी हो गई, तो आप क्या हो जाएंगे, टाएँ टाएँ फिस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आप नहीं रहेंगे इस दुनिया में, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं किसके आधार पर, आकार के आधार पर। किसके बारे में बात करते हैं, आकार। आकार के आधार पर जो होता है वह चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, चार। पहला जो होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा जो होता है वो आपका होता है सुपर कंप्यूटर। कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर। तो देखिए तीन चीज़ हमेशा याद रखिए, इस क्या याद रखेंगे, ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब होता है, पहली बात साइज, स्पीड और स्टोरेज, याद रखिए। क्या क्या, साइज, स्पीड और स्टोरेज, ये तीनों याद रखिए। सबसे पहली बात, सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, माइक्रो, उसके बाद मिनी, उसके बाद मेन फ्रेम, उसके बाद, कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे जो छोटा कंप्यूटर वो माइक्रो है, उससे बड़ा कौन है, मिनी है, उससे बड़ा कौन है, मेन फ्रेम है, उससे बड़ा कौन है, सुपर कंप्यूटर है। यानी कि अगर आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, यह जो है सबसे छोटा कंप्यूटर है, इसके बारे में लिखना होगा। तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा, लेकिन सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होता है, छोटा होता है। इसी प्रकार इसके बारे में, मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है माइक्रो और मिनी से क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है। और अब तक का सबसे जो बड़ा कंप्यूटर है वो कौन है, सुपर कंप्यूटर। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं स्पीड, किसकी बात करते हैं, स्पीड। तो सबसे कम स्पीड किसकी होती है, माइक्रो की, फिर मिनी की, फिर सबसे जो कम स्पीड होती है वो होती है माइक्रो की, उससे ज़्यादा किसकी होती है, मिनी की, उससे ज़्यादा किसकी होती है, मेन फ्रेम की, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सुपर कंप्यूटर की। अब जो अन्य कंप्यूटर हैं इनको कई तरीक़ों से मापा गया है, लेकिन आज के जो वर्तमान समय जो कंप्यूटर हैं उनको मापा जाता है हर्ट्ज में। किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में। और जो सुपर कंप्यूटर को मापा जाता है वो होता है पेटा फ्लॉप। किस में होता है, पेटा फ्लॉप। अगर पूछता है एग्जाम में कि सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो किस में मापी जाती है, तो आप किस में बताएंगे, पेटा फ्लॉप में मापेंगे, ठीक है। बात करते हैं स्टोरेज में, तो सबसे कम स्टोरेज किस कंप्यूटर की होती है, तो आप बताएंगे माइक्रो। उससे ज़्यादा जो स्टोर करता है, सबसे मतलब माइक्रो कंप्यूटर से अधिक कौन स्टोर करता है, मिनी, फिर इसके बाद मेन फ्रेम, और सबसे ज़्यादा स्टोर कौन करता है, स्टोर करने का मतलब होता है डेटा, जो हमारे डेटा होते हैं, जैसे आप गाना होते, मूवी होते, पिक्चर होते, जितने भी तमाम प्रकार के जो होते हैं डेटा, उसको आप किस में रखते हैं, उसको आप मतलब कंप्यूटर में तो रखते ही हैं, लेकिन सबसे अधिक अगर कोई रखाता है डेटा वाला कंप्यूटर, वो है आपका सुपर कंप्यूटर। समझ में आया। इसके बाद हम सुपर कंप्यूटर के बारे में और चीज़ जान लेते हैं। देखिए सुपर कंप्यूटर होता है, और विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर माना जाता है सुपर कंप्यूटर। और हमारे भारत में सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था वो था आपका परम। कौन सा कंप्यूटर था, परम कंप्यूटर बना था, ठीक है। और दूसरी बात, कहाँ बना था, ये बना था पुणे में, जो पुणे के नाम से जाना जाता है। आज का जो वर्तमान समय में, एक 2018 में कंप्यूटर बना हमारा जो है प्रत्यूष। क्या बना, प्रत्यूष बना। अब 2020 में भी एक कंप्यूटर और बना है जो सुपर कंप्यूटर बना है, उसका नाम है परम सिद्धि। याद रखिएगा, हर एग्जाम ये पूछे जा रहे हैं। जो 2020 में जो कंप्यूटर है सबसे बड़े कंप्यूटर, वो कौन से हैं, परम सिद्धि के नाम से है। चलिए ये तो बात हो गई किसकी, ये बात हो गई भारत की। अब विश्व में सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था, आपका था क्रेवन। किसके नाम से था, क्रेवन के नाम से। विश्व का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो कौन था, क्रेवन। इसके बाद वर्तमान में जो सुपर कंप्यूटर है जो विश्व का, वो है सुमित। कौन है, सुमित कंप्यूटर है वर्तमान का।
ठीक है, ये याद रखिएगा। विश्व का वर्तमान में जो सुपर कंप्यूटर सुमित है, और हमारे जो वर्तमान में है सुपर कंप्यूटर भारत का, वो कौन सा है आपका, परम सिद्धि के नाम से, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे हम बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर जो कंप्यूटर, ये बहुत ही आसान है, जो भी सामान्य तरीके से प्रयोग किए जाते हैं जो कंप्यूटर आपके उद्देश्य कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। उद्देश्य के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं, यह भी कितना प्रकार का, दो प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, ठीक है, और दूसरा जो होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, ठीक है। जो सामान्य तरीकों से जो कंप्यूटर प्रयोग की जाती हैं उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। जैसे सामान्य तौर पे आप देखेंगे तो जैसे आज के हम जो इंस्टीट्यूट में या बैंकिंग सेक्टर में या हॉस्पिटल में देखे होंगे, तो सामान्य तरीके से उसमें क्या किया जाता है, जो डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे प्रिंट आउट करना या ऑनलाइन फॉर्म भरना, ये सब सामान्य कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है जो विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं, बड़े बड़े जैसे सुपर कंप्यूटर हो गए, ठीक है, उसके अंतर्गत ये सब किस में आ जाते हैं, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। ये रहा आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के प्रकार, और उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा ज़रूर, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और आप हमारे चैनल पर अगर यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।